हाँ जी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया हो? मैं ना आपको आज बहुत ही बढ़िया फूल सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले फिरोजी कलर लेंगे और ऐसे अंडाकार शेप बना देंगे। ओके, इस तरह से ऊपर की तरफ छोटा और नीचे की तरफ ऐसे चौड़ा होते हुए और नीचे की तरफ इस तरह जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये शेप बनेगी। और उसके बाद इस साइड से ऐसे और इस साइड से ऐसे और इस साइड से ऐसे, ये आपको शेप दिख गई। अब इसको फिल कर देंगे और ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिल करके नीचे की तरफ इसको ऐसे ले जाएंगे। ओके, अब मैं लूंगी ब्लू कलर। ब्लू कलर लिया और इस तरह से इसमें शेडिंग कर देंगे। इस तरह इसकी आउटलाइन की, इस साइड भी की, इस साइड भी की। और जो इधर दो, इस साइड दो कलियां हैं, इस साइड एक है, और जो इस साइड दो कलियां हैं उसको नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह शेडिंग करनी है। ओके, अब इसको धीरे धीरे जो है मिक्सिंग करेंगे। ये जो ब्लू लाइन लगाई है इसको ऐसे पीछे की साइड से मिक्सिंग करनी है और इसको अंदर की साइड से, इसको अंदर की साइड से और इसको ये बैक साइड से इस तरह से मिक्सिंग करनी है। और यहां पर सेंटर में भी ब्लू कलर लगा देंगे। ये बहुत ही प्यारी कली फूल लगा लो, फूल, ये बहुत ही प्यारा फूल बनेगा। जैसे कईयों को छोटे फूल पसंद होते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है ये फूल। ओके, अब मैं इसको इधर से अच्छे से मिक्सिंग कर दूंगी। अब मैंने ब्रश को अच्छे से धो लिया है। अब मैं एक बार फिर उसी कलर इस पर इस तरह से दोबारा करूंगी। ये फिरोजी कलर दोबारा इसलिए करना है ताकि ब्लू कलर जो है कि जो धब्बे वगैरह है जो वो अच्छे से हट जाए। अब इसको ऐसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अब ब्रश को पोंछ पोंछ के ये जो फिरोजी कलर लगाया उसको उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे ताकि वो अलग सा ना लगे। इतना होने के बाद अब इसको नीचे से इसकी डंडी जो है वो कैसे बनेगी वो देखो। इस तरह ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने काफी दिन हो गए मैंने सूट पेंट नहीं किया, और मैंने ना ही सूट पेंट किया ना ही वीडियो। आज मैं थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी तो मैं बनाने लग गई। इस सूट को शुरू किए हुए काफी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन बस। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बस मन ही नहीं करता काम करने को। अब इसको मिक्सिंग कर देंगे। कुछ गर्मी भी
तरह से इसको मिक्सिंग दे देंगे, ठीक है। अब ब्रश सारे मुझसे दूर पड़े हैं, मुझे इसी ब्रश से काम चलाना पड़ रहा है। चल लिया ब्रश एक्चुअल में ना। अब मैं आपको छोटी सी एक कली ऑरेंज कलर से यहाँ बनानी बता देती हूँ। अच्छे से पहले इसमें से ना कलर निकाल लेंगे, वही अंडाकार शेप बनाएंगे। अब कली में क्या है कि ये जैसे इस साइड और इस साइड, बस ये दो ही रखनी है, जैसे इधर तीन है ना, ये नहीं बनानी। अब इसकी आउटलाइन करने के लिए हम लेंगे रेड कलर, जैसे ऑरेंज का डार्क ऑप्शन रेड होता है ना, जैसे हमने फिरोजी का डार्क ऑप्शन लिया था। अब इसको अच्छे से मैंने पूंछ लिया है और इसको बाहर की साइड से मिक्सिंग करनी है, अंदर की साइड से नहीं। और इस जो पीछे वाली लाइन है उसको अंदर की साइड से और इसको बाहर की साइड से, इस तरह से वही जो सेम पहले मैंने किया था। अब यहाँ पे दोबारा से इसको वो कर देंगे, मैं कोशिश करके एक ब्रश उठाती हूँ ताकि आपको अच्छे से बता दूं। ये जो है ना येलो कलर, वो उस ब्रश से थोड़ा थिक था ना, ये हो नहीं रहा था वो ब्रश से। ये देखो ये जो है ये येलो कलर लगाया मैंने, इस तरह से। और जो गोल्डन आउटलाइनर है वो गोल्डन आउटलाइनर से ये सारे जो पत्ते हैं फूल हैं उसकी जो है हम आउटलाइन करेंगे, ठीक है। अब गोल्डन आउटलाइनर जो है मुझे मेरे आसपास नहीं पड़ा, मैं वीडियो बनाते वक्त पास रखूंगी, देखती हूँ अगर ये चल जाए तो इससे हम काम चला के देखते हैं। ये देखो चल जा बाबा, चल गया थोड़ा थोड़ा। ये देखो इस तरह से हम इसको, ये कई बार अटक जाता है इसमें आलपिन जो है ना उससे इसको सही करना पड़ता है। इस तरह से देखो इसके अंदर आलपिन डालेंगे और फिर ये चलने लग जाता है। इस तरह ये सारे के सारे जो है लीव्स हो गया, फूल हो गया, सब की मैं इस तरह से गोल्डन आउटलाइन करूंगी, उससे क्या है ना सुंदर लगेगा डिजाइन इस तरह से। इस तरह से मैंने, ओके फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके थैंक यू वेरी मच।